हेलो फ्रेंड्स, हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की, एसएससी की, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की, चाहे वो पीसीएस हो या फिर वो टीचर भर्ती हो या फिर इसी तरीके से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो रेलवे की बहुत सी भर्तियाँ हैं इधर, तो हमारी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज आप अटेंड करिए। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे बल्कि बहुत सी जीके भी हम उससे रिलेटेड कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन के साथ। बेसिकली मैंने कल आपसे ये पूछे थे और इनके आंसर आपने कमेंट करके दिए थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कि संप्रीति 2019 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया, तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति 2019 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, ये मैंने आपसे पूछा था। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी वाला, यानी कि 35 वर्ष। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा कम से कम, आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, उसमें से एक है थीम एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इस वर्ष के लिए इसकी थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लांट, यानी कि पानी के नीचे जीवन लोगों के लिए और ग्रह के लिए, ठीक है, लोगों और ग्रह के लिए, तो यहां पर से ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस दिवस की घोषणा की गई थी 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और 2014 से हम हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन से टेनिस प्लेयर 100 एकल खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रोजर फेडरर ने 2 मार्च को 8वीं बार दुबई टेनिस ओपन का खिताब अपने नाम किया, और साथ ही साथ एक रिकॉर्ड इनके नाम हुआ वो ये कि 100 एकल खिताब जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, पुरुष खिलाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से इसे ध्यान रखेगा, इससे पूर्व अमेरिका के जिमी कॉर्नर्स ने 109 सिंगल खिताब जीते थे, यानी कि 109 एकल खिताब जीते थे, और रोजर फेडरर ने अपने 100 एकल खिताब पूरे कर लिए हैं। एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं। यही हैं, आपको देख रहे होंगे रोजर फेडरर हैं ये, जिन्होंने कि 100 एकल खिताब अपने नाम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, ये जो आयोग है इसका गठन 1993 में हुआ था, इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे 2 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है, जो ये आयोग था, इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 2018 में दिया गया था, 123वें संविधान संशोधन विधेयक 2018 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये जो आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 338B जो है वो संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर से ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 के दूसरे संस्करण का आयोजन 5 मार्च से कहाँ किया जाएगा, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में, 5 मार्च से नई दिल्ली में किया जाएगा, 5 और 6 मार्च को 2 दिन इसका आयोजन होना है, और बेसिकली इसमें जो आयोजक हैं वो भारतीय नौसेना और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये भारत प्रशांत समुद्री क्षेत्र जो है उससे संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं उसके बारे में इस जो ये सम्मेलन है, जो ये वार्ता है, जो ये मीटिंग है, इसमें बात की जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हमजा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन सभी लोग जानते हैं, उनके बेटे हैं ये,
$10,00,000 का जुर्माना लगाया है हमजा बिन लादेन पर। किस देश ने? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने हमजा बिन लादेन पर $10,00,000 का जुर्माना लगाया है। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी हमजा बिन लादेन को जो है प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी देश की यात्रा नहीं कर सकते, हथियार नहीं खरीद सकते, मतलब पूरी तरीके से जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अगर बात करें हम सऊदी अरब की नागरिकता थी इनके पास, तो अब जो है हमजा बिन लादेन से सऊदी अरब की नागरिकता भी छीन ली गई है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, यही हैं हमजा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन के बेटे हैं ये। ठीक है, ओसामा बिन लादेन के आई थिंक 20-22 बच्चे थे और उसमें से 15वें नंबर के हैं ये। ओके, तो यहाँ पर से ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, इसके बाद बेसिकली यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये हमजा बिन लादेन है इन पे इतना प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। तो कहा जा रहा है कि अलकायदा जो है एक आतंकी संगठन है, सभी लोग जानते होंगे पहले ओसामा बिन लादेन भी उस संगठन के जो है कर्ता धरता रहे, और अब जो है इनका नाम आ रहा है कि ये जो है बहुत जल्दी अलकायदा संभालने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर इनको देखा जाता है, तो इसलिए अमेरिका ने जो है इन पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत से जो है संस्थाओं ने इन पर प्रतिबंध लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने किस स्थान पर सबसे अधिक कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये हमसे पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि गुजरात में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने गुजरात के भरूच में सबसे अधिक कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 8 घंटे में 260 दिव्यांगजनों पर जो है इन्होंने कृत्रिम अंग लगाए हैं, पैर लगाए हैं, बेसिकली कृत्रिम पैर, ठीक है, आर्टिफिशियल पैर। तो यहाँ पर से इसे आपको ध्यान होना चाहिए, 7वां विश्व रिकॉर्ड है जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बनाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी है। हमको बताना है कि जो फेम इंडिया है इसका संबंध किस चीज़ से है, योजना का लक्ष्य क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया फेम योजना के दूसरे संस्करण को जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और पहले जो है इसका जो संस्करण था, यहाँ पर आप PIB से देख पा रहे होंगे, तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए शुरू की गई है। 10,000 करोड़ की जो है, मतलब 10,000 करोड़ रुपए जो है इस योजना में इन्वेस्ट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये जो योजना है ये फेम इंडिया 1, यानी कि फेम इंडिया जो पहला पार्ट था उसका विस्तृत संस्करण है। फेम इंडिया 1 जो है 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2015 को ये लागू की गई थी पहला जो इसका पहला संस्करण था। और अब जो है इसका दूसरा संस्करण यहाँ पर जो है लागू कर दिया गया है। दूसरे चरण में 2019, 2020 और 2021 और 2022, यानी कि 3 वर्षों तक जो है करीब 10,000 करोड़ रुपए जो है, मतलब ये फेम इंडिया के ऊपर जो लक्ष्य रखा गया है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, या कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो हम लोग डीजल पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं वो कम हो, साथ ही साथ प्रदूषण कम हो, और इसी तरीके से मतलब ये जो समस्याएँ हैं इनको हल करने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जो है इस फेम इंडिया योजना पे खर्चा किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सो आप ये चीजें यहां से याद रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा ब्रेल लैपटॉप विकसित किया गया है। ब्रेल लैपटॉप विकसित किया गया है, कुछ शब्द यहाँ पर मिसप्रिंट हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि IIT दिल्ली ने ब्रेल लैपटॉप विकसित किया है। और इस जो ये जो लैपटॉप है इसको नाम दिया गया है डॉट बुक। ब्रेल भाषा सभी लोग जानते होंगे जिससे दृष्टिहीन लोग जो है पढ़ सकते हैं, तो उसी तरीके का एक लैपटॉप है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है वो ब्रेल लैपटॉप जो कि IIT दिल्ली ने विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ से इसे ध्यान रखिएगा, और दावा किया जा रहा है कि ये अपनी तरह का पहला लैपटॉप है हमारे देश में बना हुआ ब्रेल लैपटॉप। 2 वर्जन इसके निकाले गए हैं, डॉट बुक 20P और डॉट बुक 40Q। तो ये 2 जो है इसके मतलब 2 वर्जन हैं, और यहाँ पर से बाकी जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो ध्यान रखिएगा, जो दृष्टिहीन लोग हैं वो जो है काफ़ी आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे यही है ब्रेल लैपटॉप जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए निकाला गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च मानव रहित अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन किस निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान है। अभी क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का जो है एक अंतरिक्ष यान है
क्रू ड्रैगन और इसको फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा से जो है इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था। याद रखिएगा एक ही जो ये जो अंतरिक्षयान है ये मानव अंतरिक्षयान है और इसका भी फिलहाल में ट्रायल चल रहा है और इसमें जो एक डमी के तौर पर बैठाया गया था उसका उसको नाम दिया गया था रिप्ले, ठीक है। तो रिप्ले नाम का एक डमी इसमें बैठाया गया था इस प्रक्षेपण को। तो जब तक मतलब इसमें लोगों को भेजा जाएगा, मनुष्य को भेजा जाएगा, तो उससे पहले जो है ये इसके परीक्षण हैं। तो आप याद रख सकते हैं कौन से, अमेरिका की निजी कंपनी है स्पेसएक्स, उसी का ये क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान था जिसको कि अंतरिक्ष में भेजा गया। और जो इसमें डमी बैठाया था उसका नाम भी याद रखिएगा रिप्ले, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि कंबोडिया में। कंबोडिया में इस बैठक का आयोजन किया गया था 2 मार्च को और इसमें जो अध्यक्षता की थी वो थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री चुटीमा बनीप्रासपारा ने की थी। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली इस बैठक में निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग सेवाओं के बारे में चर्चा की गई थी। ये जो बैठक है इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भाग लिया था भारत से। अगर हम बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है, मुद्रा है यहाँ की कंबोडियन रियल, ठीक है। तो याद रख सकते हैं जो हमारा 1 रुपया होता है वो 56.70 कंबोडियन रियल के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि 56.70 कंबोडियन रियल हमारे 1 रुपये के बराबर होते हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर से अगर हम मैप में देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है कंबोडिया, और यहीं पर जो है आयोजन किया गया था इस बैठक का। आप याद रख सकते हैं ये हमारा इंडिया है और ये जो है कंबोडिया है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में क्लासनिकोव राइफल निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में। क्लासनिकोव राइफल बनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश की अमेठी में, एक यूनिट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। ये जो यूनिट है ये भारत के आयुक्त कारखाने और रूस की एक कंपनी ने संयुक्त रूप से इसको जो है यहाँ पर बसाया है। तो आप इसे यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और आपने AK-47 का नाम सुना होगा, तो इस यही जो उन्नत किस्म की राइफलें हैं वो यहाँ पर बनाई जाएंगी, ठीक है। AK-47 श्रेणी की जो ये राइफल्स हैं यही सब जो है यहाँ पर बनाई जाएंगी। बेसिकली क्लासनिकोव राइफल इसलिए कहा जाता है कि AK-47 जो है वो क्लासनिकोव ने ही डिजाइन की थी, जिसकी वजह से जो है इन राइफल्स को क्लासनिकोव राइफल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं और इन्हीं को मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा जो है दिया जाता है। तो बस आपको इसी यहाँ से ध्यान रखना चाहिए किसको दिया गया था मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019। तो याद रखिएगा कि जी सतीश रेड्डी को दिया गया था। अब आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आते होंगे तो। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किसे वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग का सदस्य कौन हुआ है नियुक्त, अभी जल्दी में ही बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में फुटबॉल विश्व कप या फिर कह सकते हैं फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फीफा विश्व कप का आयोजन कब कहाँ किया जाएगा 2022 में। थर्ड क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है, सार्क सदस्य कितने हैं, कितने देश जो है सार्क के सदस्य हैं ये मुझे बताइएगा, और अगर हो सके तो उनके नाम भी जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके किसी तरीके के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।